हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टीपी क्लासेस 2 मिनट सीरीज में आज हम फोकस करेंगे अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो एप्पल ने अपने स्प्रिंग इवेंट में रिसेंटली ही लॉन्च किया है एयर टैग नाम का एक डिवाइस जो कि अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी को यूज में लाएगा। इससे पहले भी सैमसंग इसके ऊपर काम कर रहा था, उन्होंने भी अपनी डिवाइसेस लॉन्च की थी, लेकिन अगर हम इस टेक्नोलॉजी की जो ओरिजिन की बात करें या यूजेबिलिटी की बात करें तो इतना रीसेंट नहीं है। इनफैक्ट 2002 में ही यूएस के जो फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन है उन्होंने इसका अनलाइसेंस्ड यूज जो है वो ऑथराइज कर दिया था। बट ड्यू टू वेरियस रीजंस, जैसे एक तो जो बल्कीनेस ऑफ द डिवाइसेस एंड मोर ओवर जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं थी इस टेक्नोलॉजी की बैक इन द डे, तो इसी वजह से हमने इतना फ्रीक्वेंट यूजेज नहीं देखा अपने आसपास इस टेक्नोलॉजी का, लेकिन मिलिट्री में एंड हेल्थ केयर सेक्टर में थोड़ा बहुत इसका यूजेज होता रहा। अभी एप्पल के लॉन्च के बाद हो सकता है कि थोड़ा कम्पिटिटिवनेस बढ़े इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो हम इसके ऊपर थोड़ा जान लेते हैं, मे बी आने वाले टाइम में थोड़ा और न्यूज़ में रहेगी। सो अल्ट्रा वाइड बैंड जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ फास्ट सिक्योर एंड लो पावर रेडियो प्रोटोकॉल। मतलब क्या है कि रेडियो वेव्स को यूज़ करती है ये लोकेशन डिटर्मिन करने के लिए, ठीक है जी। एंड और जो दूसरी कोई वायरलेस टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल आपका ब्लूटूथ है, वाईफाई है, जियो फेंस है, वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करते जितना कि अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी करती है। बट इसकी लिमिटेशन क्या है कि हम इसको सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही प्रिसाइजली यूज़ कर सकते हैं टू डिटर्मिन द लोकेशन। तो यहीं पर दूसरी टेक्नोलॉजीज अपना एज ले जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रा वाइड बैंड जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी सेंटीमीटर्स तक प्रिसाइज लोकेशन बता देगी, लेकिन जो इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो हो सकता है कि 200 मीटर्स के बियॉन्ड ये इतना इफेक्टिवली काम ना कर पाए या इसकी वहाँ पर डिस्टेंस के वाइज लिमिटेशन है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपके वाईफाई हैं ना या जियो फेंस है, तो जियो फेंस तो इनफैक्ट सैटेलाइट से यूज़ होता है, तो उसकी तो कोई एरिया की लिमिटेशन है ही नहीं उतना ही एरिया जितना सैटेलाइट कवर कर रही है। बट वाईफाई का लगा लीजिए कि फ्यू हंड्रेड मीटर्स तक जा सकता है। तो यहीं पर अलग अलग टेक्नोलॉजीज का अलग अलग एज है। बट अल्ट्रा वाइड बैंड जैसे नाम भी आपको सजेस्ट कर रहा होगा, ये वाइड स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी यूज़ करता है। फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, 3.1 गीगाहर्ट्ज़ टू 10.6 गीगाहर्ट्ज़। तो बहुत वाइड रेंज है जिसमें ये ऑपरेट करता है रेडियो पल्सेस के थ्रू। सो इसकी अगर मैं आपको वर्किंग समझाऊं कि एक हमारे पास ट्रांसमिटर डिवाइस है जो कि 1 बिलियन पल्सेस पर सेकेंड रिलीज करेगा सभी डायरेक्शंस में, एंड दूसरी तरफ एक कोई रिसीवर डिवाइस है ना, तो एज सुन एज जो ये पल्स रीच करेगी इसको, इस डिवाइस को, एंड देन इट विल कम बैक, तो उससे हमें क्या होगा, रियल टाइम एक्यूरेसी उस प्रोडक्ट उस ऑब्जेक्ट की मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये सिमिलर ही जो मैकेनिज्म है विच बैट्स फॉलो, जिसको हम इको लोकेशन बोलते हैं, या फिर हम सोनार रेडार के केस में भी यही पढ़ते हैं ना कि वेव जाती है फिर वो टकरा के ऑब्जेक्ट से वापस आ जाती है, एंड उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी डेप्थ है कोई ऑब्स्टेकल की, इफ़ इन द केस ऑफ शिप्स हम देखते हैं ना इस चीज़ को। तो वही चीज़ ये यहाँ पर कर रहा है, लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या है कि ये बहुत ज़्यादा पल्सेस रिलीज़ कर रहा है इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो इसीलिए ऑलमोस्ट जो रियल टाइम एक्यूरेसी है वो अचीव हो रही है। तो इसकी यूजेबिलिटी अगर हम फ्यूचर में देखें तो हो सकता है कि जो आपकी स्मार्ट कार्स हैं उन वहाँ पर या स्मार्ट होम्स में वहाँ पर सब जगह हो सकती है, ठीक है जी। तो बट प्रॉब्लम यही है कि इसकी जो लिमिटेशन है कि शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ होता है। तो ये कुछ कीवर्ड्स थे, रियल टाइम एक्यूरेसी एसोसिएटेड है, वाइड स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एंड अभी हम जाते जाते इसकी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो बैक इन द डे 2002 ऑनवर्ड्स तो मिलिट्री रेडार्स में इसको यूज़ किया गया था ब्रीफली, एंड जो आपके हार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम है तो उन सब में यूज़ किया गया था, लेकिन अगेन इतना वाइड स्प्रेड यूज़ हमने वहाँ पर नहीं पाया है इसका। बट एट प्रेजेंट जो फ्यूचर में प्रेडिक्शंस हैं वो क्या हैं कि एक तो व्हीकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस से 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसके थ्रू हम लेकर आ सकते हैं। पैरेलली ही जो UWB इनेबल्ड कार्स हैं, इनफैक्ट वो अपने ओनर की प्रेजेंस भी डिटेक्ट कर सकती हैं, उनकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर सकती हैं, एंड इनफैक्ट जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की कम्युनिकेशन है वो भी इंश्योर की जा सकती है। फॉर एग्जांपल कार एंड उसकी कीज़ की, कि अगर कार से कीज़ ज़्यादा दूर चली गई हैं तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी। ऑल्दो हम कुछ हद तक ये अभी भी प्रेजेंटली जो हमारी कीलेस एंट्री वाली कार्स आती हैं उनमें भी हम ये चीज़ देखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आई डोंट एक्चुअली नो कि वो
कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी आपकी UWB वे वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस वीडियो. आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि ये फास्ट, सिक्योर एंड लो पावर, ये चीज़ें कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं हमने. एंड रेडियो वेव्स को यूज़ करता है, लोकेशन प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प कर सकता है, है ना. और जो वाइड स्पेक्ट्रम में काम करता है, एज द नेम सजेस्ट, 3.1 to 10.6 GHz एंड रियल टाइम एक्यूरेसी हमें देता है. 2002 से टेक्नोलॉजी है ये वोग में, लेकिन इतनी फ्रीक्वेंटली यूज़ या इतनी वाइड स्प्रेड इसकी हमने यूज़ नहीं देखी, ऑल्दो नाम इसका वाइड बैंड है. ठीक है जी. सो ऑन दैट नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.